आज हम बात करेंगे दिवाली से जुड़े हुए कुछ खास बातों के बारे में। दीपावली पर अक्सर चारों ओर दीपक जलाए जाते हैं, लेकिन आज के दिन जो विशेष है, घर के हर कोने में दीपक जलाना। दीपावली के दिन लक्ष्मी जी की पूजा के लिए भी एक दीपक जलाया जाता है। तो चलिए जान लेते हैं ऐसे किस तरीके से दीपक जलाया जाए। वो दीपक पीतल या स्टील का होता है, जो हम माँ माँ लक्ष्मी के लिए जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिवाली के 5 दिनों के उत्सव में कुछ खास प्रकार के दिए भी जलाए जाते हैं। पहला दीपक, जो कि धनतेरस के दिन यमराज के निमित्त जिस घर में दीपदान किया जाता है, वहाँ अकाल मृत्यु नहीं आती है। धनतेरस पर सभी जगह दीपक जलाए जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो यम का दीपक लगाते हैं। धनतेरस की शाम को मुख्य द्वार पर 13 और घर के अंदर भी 13 दीपक जलाने का नियम है, लेकिन यम के नाम का दीपक परिवार के सभी सदस्यों के घर आने और जाने के बाद खाने पीने के समय जलाया जाता है। इस दीप को जलाने के लिए पुराने दीपक का उपयोग किया जाता है, जिसमें सरसों का तेल डाला जाता है। ये दीपक घर से बाहर दक्षिण की ओर मुख कर किसी नाली या कूड़े के ढेर के पास रख दिया जाता है। इसके बाद जल चढ़ाकर दीपदान करते समय यह मंत्र बोला जाता है, मृत्युना पाशहस्तेन कालेना भार्या सह त्रयोदश्याम दीपदानात् सूर्यजः प्रीत्यर्मति। चलिए अब जानते हैं दूसरा दीपक। कई घरों में इस दिन रात को घर के सबसे बुजुर्ग सदस्य का एक दिया जलाकर पूरे घर में घुमाते हैं और फिर उसे लेकर घर से बाहर कहीं दूर रखकर आते हैं। घर के अन्य सदस्य अंदर रहते हैं और इस दिए को नहीं देखते हैं। यह दिया भी यम का दिया कहलाता है। माना जाता है कि पूरे घर में इसे घुमाकर बाहर ले जाने से सभी बुराइयाँ, सारी नेगेटिव एनर्जी और बुरी शक्तियाँ घर से बाहर चली जाती हैं। तीसरा दिया क्या है, चलिए जानते हैं। दिवाली की रात को घर में और घर के आसपास सभी जगहों पर दीपक जलाकर रखे जाते हैं। कहते हैं कि दिवाली की रात को देवालय में यानी कि मंदिर में गाय के दूध का शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे तुरंत ही कर्ज से छुटकारा मिलता है और आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। दिवाली की रात का दूसरा दिया क्या है, वो लक्ष्मी पूजा के दौरान जलाया जाता है। तीसरा दिया तुलसी जी के पास और चौथा दिया दरवाजे के बाहर। पांचवा दिया पीपल के पेड़ के नीचे। छठा दिया पास के किसी मंदिर में। सातवा कचरा रखने वाले स्थान पर। आठवा अपने वॉशरूम्स या बाथरूम्स में। नौवा मुंडेर पर। दसवा दीवारों पर। ग्यारहवा खिड़की पर। बारहवा छत पर और तेरहवा किसी चौराहे पर। दिवाली पर कुल देवी या देवता यम और पितरों के लिए भी दीपक जलाए जाते हैं। वैदिक और तांत्रिक अनेक ऐसे मंत्र हैं जिन्हें साधना करने के लिए बहुत सावधानी की ज़रूरत होती है। असावधानी से कार्य करने पर प्रभाव प्राप्त नहीं होता है और सारा श्रम व्यर्थ चला जाता है। लेकिन शाबर मंत्रों की साधना या सिद्धि में ऐसी कोई आशंका नहीं होती है। ये सही है कि इनकी भाषा सरल और सामान्य होती है। मंत्रों को पढ़ने पर ऐसा कुछ भी अनुभव नहीं होता है कि इसमें कुछ विशेष प्रभाव होगा, लेकिन मंत्रों का जप किया जाता है तो असाधारण सफलता दृष्टिगोचर होती है। कुछ मंत्र तो ऐसे हैं कि जिनको सिद्ध करने की ज़रूरत ही नहीं है, केवल कुछ समय उच्चारण करने से ही उसका प्रभाव स्पष्ट दिखाई देने लगता है। यदि किसी मंत्र की संख्या निर्धारित नहीं है तो मात्र 1008 बार मंत्र जप करने से उस मंत्र को सिद्ध समझना चाहिए। चलिए अब जानते हैं दिवाली के दिन कौन से शाबर मंत्रों का कैसे प्रयोग करना है। लेकिन इससे पहले जान लेते हैं शाबर मंत्रों की सिद्धि करने के लिए क्या होना चाहिए। शाबर मंत्रों की सिद्धि के लिए मन में दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति का होना आवश्यक है। जिस प्रकार की इच्छा शक्ति साधक के मन में होती है, उसी प्रकार का लाभ उसे मिल जाता है। यानी कि आपका थॉट प्रोसेस सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि मन में दृढ़ इच्छा शक्ति है तो अन्य किसी भी बाह्य परिस्थितियों और कुविचारों पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए जानते हैं लक्ष्मी जी को खुश करने के लिए और धन प्राप्त करने के लिए कौन सा शाबर मंत्र जो आप दिवाली पर यूज़ कर सकते हैं। चलिए जान लेते हैं धन प्राप्ति का मंत्र। ये मंत्र महत्वपूर्ण है। इस मंत्र को अर्धरात्रि को किया जाता है। ये मंत्र वैसे दिवाली पे करें तो और भी शुभ माना जाता है। ये साधना 22 दिन की मानी जाती है और नित्य एक माला जप होना चाहिए। अगर दिवाली पर नहीं कर सकते हैं तो शनिवार या रविवार में इस प्रयोग को प्रारंभ किया जाना बहुत उचित रहता है। इसमें व्यक्ति को लाल वस्त्र पहनने चाहिए और पूजा में प्रयुक्त सभी सामान को लाल रंग में रंग लेना चाहिए। यदि दिवाली की रात को इस माला की 21 माला फेरें तो व्यापार में उन्नति और आर्थिक सफलता प्राप्त होती है। ये माँ माँ लक्ष्मी का बहुत सिद्ध मंत्र है। क्या है, नोट कर लीजिए। ओम नमो पद्मावती पद्मनय लक्ष्मी दायिनी वांछा भूत प्रेत विंध्यवासिनी सर्व शत्रु संहारिणी दुर्जन मोहिनी रिद्धि सिद्धि वृद्धि कुरु कुरु स्वाहा ओम क्लीम श्रीम पद्मावती नमः। ये बहुत ही कारगर माँ पद्मावती
का मंत्र है माँ पद्मावती यानी कि लक्ष्मी का, जो कि पद्म पे कमल के सिंहासन पे विराजित हों। चलिए अब जान लेते हैं सर्व कार्य सिद्ध मंत्र कौन सा है।